और उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि लोकसभा 2024 का हवाला दिया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच में मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक चिट्ठी समाजवादी पार्टी ने लिखा है। अब देखिए, पहले इन्होंने लिखा कि जो पोलिंग अधिकारी है वही जो लोग वहां मतदान करने आ रहे हैं उसकी जांच करे, कोई बाहर का व्यक्ति जांच ना करे। अब उस चिट्ठी में एक और बात सामने आई है। उनका कहना है कि देखिए, जो भी बुर्का पहनकर आता है उनके बुर्के को ना हटाया जाए, वोटर आईडी की जांच पुलिस ना करे, बुर्का हटाकर जांच ना करने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई है और इसका हवाला उन्होंने लोकसभा 2024 का दिया है। और इसी हवाले के साथ उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना किया जाए, बुर्का हटाकर जांच में मुस्लिम वोटर जो महिला वोटर है वो डर जाती है। तो एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, उसमें बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी ने लिखी है। उसमें पहले तो ये लिखा कि जो भी वोटर्स वहां पर आ रहे हैं देने के लिए, कल जो मतदान होना है उसमें पहली बात कि जो पोलिंग अधिकारी है वही इनकी जांच करे और अब बुर्का हटाकर महिलाओं की जांच ना की जाए, इस बात का भी जिक्र इस लेटर में किया गया है। और समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर अब उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हार के डर से समाजवादी पार्टी ऐसी बातें कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोटर बिना किसी डर के वोट डाले, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैरकानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नाम नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पर बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और कल जिस दिन मतदान है मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें, हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। तो उत्तर प्रदेश में बुर्का पर अब सियासत गर्मा गई। एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, देखिए, कल वोट पड़ने हैं और ठीक उससे पहले एक चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है और खासतौर पर कहा गया है एक आध दो बिंदु हैं जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। एक तो बुर्का हटाकर जो मुस्लिम महिला मतदाता हैं उनको ना देखा जाए, जिससे वो डर जाती है, और दूसरा कि जितने भी मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी को इस बात की चिंता है कि उनको बहकाया जा सकता है, उनको डराया जा सकता है, इसलिए से पोलिंग अधिकारी ही उनकी जांच की जाए। आखिर ठीक एक दिन पहले वोटिंग से इस तरह की जरूरत क्यों ना आन पड़ी समाजवादी पार्टी को, क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं इसे लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी को परिणामों का अंदाज लग गया है तो हार का ठीकरा आयोग पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से अखिलेश यादव बचना चाहते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का जो मूल चरित्र है वो सामने आया है लोकसभा चुनाव के बाद, मुईद खान बलात्कारी के साथ अखिलेश यादव नजर आए, नवाब सिंह यादव बलात्कारी के साथ अखिलेश यादव नजर आए, जाली नोटों का धंधा करने वाले कुशीनगर के जो इनके पदाधिकारी थे समाजवादी पार्टी के उनको बचाते अखिलेश यादव नजर आए,
अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको हराने का मन बना लिया है और इसकी इससे बचकानी बात और कुछ नहीं हो सकती कि आयोग से कह रहे हैं कि मतदान के दिन पहचान पत्र की जांच न हो, जबकि पूर्व में बुर्काधारी महिलाएं कई बार पकड़ी जा चुकी हैं फर्जी वोटिंग करते हुए। यही नहीं, कई बार तो पुरुष बुर्का पहनकर वोटर लाइन में लगे हुए पकड़े गए हैं। तो हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी हार जाएगी इस डर से। चुनाव आयोग तो अपने नियमों में बदलाव कर नहीं सकता, तो अखिलेश जी अब 27 की तैयारी शुरू करिए। इस चुनाव में, उपचुनाव में तो आपका सुपड़ा साफ होना तय है। ठीक है, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ दीपक रंजन साहब भी जुड़ गए हैं। दीपक रंजन जी, मनीष जी को हम सुन रहे थे और ऐसे भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि जो भी वोट देने पहुंचता है कम से कम उसके फोटो पहचान पत्र हो, उससे मिलान कर लिया जाए और उसके बाद ही उसे वोटिंग का अधिकार दिया जाए। ऐसे में इस तरह की मांग क्यों उठाई गई है जब पता है कि संविधान में इस तरह की बातें हैं, चुनाव आयोग की तरफ से एक नियमावली है उसमें इस तरह की बातें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो सरकार चाहती है अपने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव में जाना चाहती है। अभी बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे थे, देखिए बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा एक लड़का जो है वो 7 बार वोट करके और अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया से लेकर के वायरल करता है वो, तो उस टाइम चुनाव आयोग को तो है धता बता रहा है, वो चुनाव आयोग को चढ़ाने का काम कर रहा है, सरकार को चढ़ाने का काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि देखिए वोट परसेंटेज बढ़े, उसके लिए खौफ का माहौल ना हो और आप देख रहे होंगे किस तरीके से चुनाव आयोग जो है। तो दीपक जी, इसके लिए आप चुनाव आयोग से ये कह सकते हैं कि सख्ती के साथ आप मतदान कराए, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आप पहचान पत्र और पहचान ना दिखाएं किसी का बिना रिवील के उसे वोटिंग का अधिकार दे दे, ये तो गलत होगा, ये तो आप मानते हैं कि गलत है? ना, देखिए हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं ना, या समाजवादी पार्टी के कहने का तात्पर्य ये नहीं, समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती जिस तरीके से रामपुर में आपने एक जात को आपने घर में डिटेन करने का काम किया था, हाउस अरेस्ट करने का काम किया था, पूरे पूरे मोहल्ले में मुस्लिम बहुल इलाकों में आपने कर्फ्यू लगाने का काम किया था, तो कमोवेश वो स्थिति ना हो, लोगों को साथ जबरदस्ती ये चीजें ना किया जाए या किसी जात विशेष को आइडेंटिफाई करके उसको परेशान ना किया जाए जिससे उसको खौफ पैदा हो, वो खौफ ज्यादा हो या ये वो जाकर के पोलिंग बूथ पे जाकर के वोट ना डाल सके। इसका जवाब लेंगे, कुछ रिएक्शन भी आ गए हैं वो जरा दिखा दे अपने दर्शकों को, फिर मनीष जी से इसका जवाब लेते हैं। दिग्भ्रमित है, संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का किस क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी। चलिए, तो आपने सुना मनीष जी, जवाब दीजिए। दीपक जी का कहना है कि देखिए जानबूझकर जो मतदाता है और कुछ खास मतदाता है उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, बीजेपी पर इस तरह का आरोप है और इसीलिए वो इस तरह की मांग कर रहे हैं चिट्ठी लेकर चुनाव आयोग से। नहीं तो चिट्ठी में पत्र में इन्होंने ये लिखा होता कि पुलिस डिटेन न करे, लेकिन इन्होंने तो लिखा है कि बुर्का उठाकर चेहरे का मिलान न करे पहचान पत्र से। देखिए स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी को केवल फर्जी वोटिंग से ही सहारा था, लेकिन उनको ये डर सता रहा है कि अगर निष्पक्ष वोटिंग हो गई तो निश्चित रूप से इनको हार का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश जी से मेरा फिर कहना है आपके माध्यम से कि अब बहाने बनाना छोड़ दे, उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। ये दंगाई अपराधी और माफियाओं की पार्टी को कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विकास चाहिए, विकास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही संभव है। और दीपक रंजन जी भी सुन रहे हैं तो जान लें कि चुनाव आयोग कतई अपने नियम में परिवर्तन नहीं कर सकता कि मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र का जांच न करे। और इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि पुलिस डिटेन करती है। इन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र की जांच ही नहीं होनी चाहिए। इसी से स्पष्ट है कि इनको हार नजर आ रही है, हार का बहाना बना रहे हैं।
बिल्कुल हार की हताशा है क्या दीपक जी? देखिए, ये खौफ का चक्रव्यूह रच करके जो है ये चुनाव में जाना चाहते हैं और चुनाव में जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता जो है इनके खिलाफ है और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ वोट करने जा रही है। देखिए, हमें लगता है कि हमारे भाई मनीष शुक्ला जी ने या तो पत्र पढ़ा नहीं या तो इनको इस पत्र की जानकारी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग तांडव मचाते हैं और मिसबिहेव करते हैं एक वर्ग समाज के लोगों के साथ, हम चाहते हैं जो पीठासीन अधिकारी हो, जो फैक्ट हो, वो आदमी वो चेक करे, वो मिलान करे, चेहरे का मिलान जो है मतदाता पहचान पत्र से करे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, शासन में बैठे लोग जिस तरीके से मिसबिहेव करते हैं, शुरू में ही लाइन में लगे लोगों के साथ जिस तरीके से चेकिंग करने का काम करते हैं, भाई जब वो अंदर जाए तो आप मिलान कर लीजिए, उसके पहले मिलान करने का कौन सा अधिकार है? पहले पूर्व में कई ऐसी फोटोज आई हैं, कई ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें जब लाइन में लगी हुई महिला है उसका नकाब उठा करके जो आप उसको चेक कर रहे हैं, पहले चेक करने का कौन अधिकार है? इनके भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स ने चेक किया महिलाओं के जो है नकाब उठा करके, उनका चेहरा उठा करके उन्होंने मिलान करने काम किया? और क्या आपने नहीं, तो दीपक जी कई बार ऐसा हुआ है, ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि औरतों के भेष में मर्द घुस आ रहे हैं, कई बार बोगस वोटिंग कर रहे हैं। और देखिये, चुनाव आयोग किसी भी तरह के चुनाव को निष्पक्ष तौर पर कराने की बात करता है, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन वो कायदे कानून के दायरे में ही हो, जस्टिफाई करेंगी? और अंदर जो जब कमरे में पीठासीन अधिकारी होता है, जब वो इंक लगाता है फिंगर में, तो उस टाइम वो चेक करता है नहीं करता है? पहले चेक करने का किसको अधिकार है? भाई अगर गलत है आप निकाल कर उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अगर कोई मेल जो है, अगर फीमेल के उसमें नकाब पहन करके जा रहा है तो आप उसको कार्रवाई करके जेल भेजिए, सरकार आपकी है, शासन आपका है, चुनाव आयोग उस पर दंडित कार्रवाई करे। लेकिन आपने देखा होगा कि किस, अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, आपने वीडियो भी देखा होगा किस तरीके से एक लड़का साथ साथ वोट डाल रहा है और खुलेआम जो है चुनाव आयोग की ओर सारे नहीं, फिर उस पर कार्रवाई भी हुई है दीपक जी, फिर उस पर कार्रवाई भी हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव अगर कराना है चुनाव आयोग को, तो इस तरह की चीजों पर खास नजर रखी जाए। हालांकि देखिए, आप कल मतदान है, आप लोगों ने अपनी तरफ से बात रख दी है, लेकिन कुछ कायदे कानून के साथ ही चुनाव आयोग इस चुनाव को संपन्न कराएगा और चुनाव आयोग की पूरी मंशा रहती है कि साफ सुथरे तरीके से चुनाव करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका और दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुरके में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को कहा कि बुरके में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो उसका डटकर मुकाबला करे। इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे। और कटहरी, अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा सीट पर कल होने वाले उपचुनाव से पहले लाल पर्ची पर सियासत गरमा सी गई है। दरअसल पुलिस की ओर से कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में कहा गया कि उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। नोटिस में ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई, अगर उन्होंने चुनाव के दिन कोई भी गड़बड़ी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अंबेडकर नगर के सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, मुस्लिम बाहुल्य गांव के लोगों को डराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को थाने पर बुलाया जा रहा है। जनता कटहरी की समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कटहरी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही, और जनता हमारे साथ है, लेकिन अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की जगह चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। पुलिस विभाग के लोग लाल पर्चियों को लेकर के, आप पता कर लो, जितने अल्पसंख्यक बाहुल्य गाँव हैं उन गाँव में जबरदस्ती गश्त करना उनका अधिकार है, लेकिन जा करके लोगों को धमकाना और बूथ अध्यक्षों को, आप बताइए क्यों बुलाया जा रहा है भाई? हमारे बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्षों को फोन करके क्यों बुलाया जा रहा है? अगर कोई बात करनी है तो चुनाव के बाद बात करेंगे। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ बूथ पे जाना मत, और जाना तो वहाँ से हमारा बस्ता एजेंट अंदर बैठेगा। हमें तो ये शंका है कि एजेंटों को भगा करके ये जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग का प्लान जिला प्रशासन बना रहा है। इसलिए हम जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किए हैं उस विकास के साथ खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कटहरी को कुछ दिया ना अंबेडकर नगर को कुछ दिया,
और जिला प्रशासन ये जो चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, मैं चाहूँगा भाजपा को चुनाव लड़ने दें, जिला प्रशासन चुनाव लड़ने का काम न करे, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव कराए, डर और भय का माहौल प्रशासन ना बनाए। और उधर मुरादाबाद के कुंद्रा के विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रभावित करने की आशंका के चलते 2,841 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। पुलिस ने 1,200 लोगों को रेड कार्ड जारी कर हिदायत दी है। तो कल मतदान होना है और मतदान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसी आशंका के साथ मुरादाबाद के कुंद्रा के विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रभावित करने की आशंका के चलते 2,841 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। पुलिस ने 1,200 लोगों को रेड कार्ड जारी कर हिदायत दी है।